ये माता पूर्मी जी का आसन है जो आप देख सकते हो। ये माता पूर्वी जी का स्थान है, आप देख सकते हो। ये उनका दरबार है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और उस साइड में तालाब भी दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा तालाब की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं और यहाँ पर मेला भी लगता है माता रानी जी के दरबार में, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी तो मैं ऐसे दिन आया हूँ मतलब कि ताकि यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, मेला वाला नहीं लगा है। ये तालाब है, मैं आपको तालाब की भी तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और सामने की तरफ जो हाईवे है वो गाड़ियाँ हैं, गाड़ी जा रही है, वो 6 लेन है, अभी नया में जल्द में ही बना है, ठीक है। आप यहाँ का दृश्य देख सकते हो, कितना ज़्यादा पेड़ पौधा लगा है, हरा भरा है, और ऐसे मौसम भी बहुत ही ज़्यादा सुहाना है, अच्छा लग रहा है। और पेड़ पौधे भी काफ़ी ज़्यादा लगे यहाँ पे, मतलब वो नहीं है कि मतलब कि चलो धूप हुई तो धूप में कोई बैठा, ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी बढ़िया जगह है। आप लोग उससे भी विनती है कि माता रानी के दरबार में, आप लोग आसपास से हैं, आजमगढ़ के हैं, तो आकर के आप भी माता रानी के दरबार में एक बार आप ज़रूर अवश्य आएँ, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे दिखाया कि आप देख सकते हो यहाँ का ये सब, मतलब जो ईंट पड़े हैं टुकड़े, मतलब यहाँ पे औरतें लोग जो होती हैं मतलब कढ़ाई चढ़ाया जाता है, मतलब माता रानी की प्रसाद बनाए जाते हैं, तो मतलब कढ़ाई हमारे यहाँ तो कढ़ाई बोलते हैं कि कढ़ाई चढ़ाने जा रहे हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो ये सब ऐसे ऐसे ईंटें रख लें, मतलब छोटे छोटे ईंट रखें, इसी को सरिया करके इसी पर लोग मतलब पूड़ी उड़ी बनाती हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। हो रहा आपको मंदिर ही दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी बढ़िया पीपल का पेड़ है, बैठने की जगह है, और उधर देख सकते हो यहाँ पे सभी लोग बैठे भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ये देख सकते हो कमरे बने हैं रहने के लिए, रहने के लिए नहीं मतलब जैसे मतलब बारिश हुई तो बारिश में लोग अंदर पका सकें, बना सकें। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी कमेंट में बताइएगा कि हम आपका ज़िला कौन सा है।